कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं जिनका असर हम पर बहुत बुरी तरह होता है। ऐसा ही कुछ हुआ उन 5 दोस्तों के साथ। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बिजली भी गुल थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गगन, जो कि गहरी नींद में सोया था, अचानक उठकर बैठ गया। तब उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अब दरवाजे की दस्तक और आवाज दोनों ही बहुत तेज होने लगे थे। गगन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपना साहस बांधा और अपने बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर मुड़ गया। वो जैसे ही दरवाजे को खोलने लगा, अचानक दस्तक होना बंद हो गई। उसने फिर भी दरवाजा खोला, पर घने अंधेरे के सिवा उसको और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। लगातार बारिश हो रहे थे तो गगन को लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगा, रात को ठहरने के लिए ठिकाना चाहिए होगा। मेरे देर से दरवाजा खोलने के चलते वो चला गया होगा। फिर वो अपने कमरे की ओर बढ़ा और बिस्तर पर जाकर सोने लग गया। अगली सुबह वो अपनी माँ की बड़बड़ाहट सुनकर उठा। वो चाय का कप लेकर उसके पास खड़े थे। उठ गगन, समय देखा है तुमने? ऑफिस नहीं जाना क्या? कब से उठा रही हूँ, उठ अब और चाय पी, नहा धो ले। गगन उठा तो समय देखकर हैरान था। सुबह के 9 बज रहे थे। वो आज काफी देर तक सोया रहा। आज तक इससे पहले वो इतनी देरी तक कभी नहीं सोया था, लेकिन आज अचानक कैसे? ये सब वो सोच ही रहा था तभी उसका मोबाइल बजा। कॉल उसके ऑफिस से आ रहा था। वो बात करके कुछ डरा और फिर कुछ दुखी सा हो गया। उसे जल्दी से ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया। वो नहा धोकर निकलने लग गया तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा नाश्ता तो करता जा। गगन थोड़ा डरा हुआ और जल्दी में था। उसने कहा, माँ ऑफिस में कुछ खा लूँगा। उसकी माँ भी हैरान थी क्योंकि गगन कभी भी नाश्ता किए बिना घर से नहीं निकलता था। ये अब उसकी आदत बन चुकी थी। खैर, गगन ने अपनी कार स्टार्ट की और ऑफिस की ओर चल दिया। ऑफिस पहुंचते ही उसे उसका दोस्त रेहान मिला। वो बहुत ही दुखी और उदास दिख रहा था। गगन ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन पूछ नहीं पाया। ऑफिस का दरवाजा खोलते ही उसे सुनने के लिए मिला कि मदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हैरान हो गया। ऑफिस में तो जैसे मातम सा छा गया। रेहान, ये सब कैसे हुआ? गगन ने पूछा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। मदन तो ठीक था, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही कोई ऐसी बीमारी थी और ना ही कुछ और, तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो रेहान के पीछे से आते हुए कौशल ने कहा, मैंने सुना है कि ये सब एक चुड़ैल का किया थरा है। तभी रेहान और गगन उसकी बातों पर हंसने लगे और बोलने लगे, ये चुड़ैल भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन कौशल उनको समझाने लगा कि ये सब उसी का करा थरा है, लेकिन रेहान और गगन उसकी बातों को मान ही नहीं रहे थे। तभी गगन ने पूछा, सयन कहीं दिखाई नहीं दे रहा? तभी उसकी बात को बीच में काट कर ही कौशल बोला, एक हफ्ते की छुट्टी पर है। तो इस पर रेहान बोला, मैंने उसे फोन लगाकर मदन के बारे में बताना चाहा, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। मदन उन लोगों का कितना अच्छा दोस्त था, सभी लोग यही सोच रहे थे। रेहान, कौशल, मदन, सयन और गगन 5 एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मदन नहीं रहा
ये सब सुनकर उनके पैरों के नीचे की जैसे जमीन ही खिसक गई। पांचों में कितना प्रेम था, इसलिए कॉलेज के बाद पांचों ने एक ही कंपनी में नौकरी की, लेकिन आज वो चार ही रह गए थे। तीनों इस बात से दुखी थे, पर और किया भी क्या जा सकता था। क्या सच में ये सब चुड़ैल का किया धरा था? गगन, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। कुछ दिनों के बाद सयन की लाश एक होटल से बरामद हुई। अब बस वो तीनों ही बचे थे। तीनों ही बहुत दुखित हैं। उन पांचों में से अब सिर्फ तीन जिंदा थे। तीनों ने मिलकर सयन की चिता जलाई, क्योंकि सयन के आगे पीछे कोई नहीं था। उस वक्त तीनों का रो रो कर बुरा हाल था। कॉलेज में ही वो अपने चारों दोस्तों से मिला था। बचपन में ही भगवान ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा, खुद के खर्च के लिए रोज सुबह लोगों के घर अखबार डालने जाया करता। हमेशा क्लास में अच्छे नंबर से पास होता। फिर उसे बहुत मशक्कत के बाद इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर वहीं से उन पांचों की दोस्ती शुरू हुई, लेकिन उन पांचों में बस अब तीन ही बचे थे। गगन उन पांचों में सबसे होशियार था और हिम्मती भी था। उसने ठान लिया कि उसके दोनों दोस्तों के साथ क्या हुआ, इस बात का पता वो लगा कर ही रहेगा। उसे अब चिंता हो रहे थे। वो इस बात की तह तक कैसे जाए, वो बस यही सोच रहा था। वो तीनों शमशान से वापस आकर अपने अपने घरों की ओर चलती हैं। गगन ने कौशल और रेहान को चौकन्ना रहने की हिदायत दी और घर आ गया। घर आते ही वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लग गया। माँ ने उसको सहलाया और चुप कराने की कोशिश करी, मगर गगन जैसे टूट सा गया था। उधर कौशल और रेहान का भी यही हाल था। दोनों के परिवार वाले उन दोनों का साहस बढ़ा रहे थे। शाम से रात हो आई थी, रेहान सोया था। अचानक वो उठकर बैठ गया, पसीने से थर थर कांप रहा था। इतना भयानक सपना उसने आज तक नहीं देखा था। उसने देखा कि कौशल जंगलों में पागलों की तरह दौड़ रहा है और बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहा है, और एक भयानक चुड़ैल उसके पीछे थी। खुले बाल, लंबे नाखून, कपड़े खून से सने हुए, और वह जोर जोर से हंसे जा रहे थे और ये कहे जा रहे थे कि किसी को भी नहीं छोड़ेगी। बार बार बस यही चिल्लाए जा रहे थे। उसने कौशल को उठाया और उसे गले से पकड़ लिया। उसके नाखून कौशल के गले में धंस गए, खून के फव्वारे बह निकले। कौशल के प्राण उसकी आंखों में अटक गए और उसने कौशल की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। बहुत ही भयानक नजारा था वो। यही सब देखकर रेहान की नींद खुल गई। उसने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो इस सपने को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। उसने झट से कौशल को फोन किया तो फोन लगातार बंद आ रहा था। उसने गगन को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसने कितनी बार ही फोन किया, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार कौशल के घर हो आए। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और चल पड़ा। अभी वो घर के दरवाजे पर ही था कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दी, रेहान बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? वो पलटा और अपनी माँ के पास आया। वो अब भी थर थर कांप रहा था। उसे देख उसकी माँ उसके पास आई, उसे बैठाया और पानी पीने के लिए दिया। रेहान ने पानी पिया, तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि उसे जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकला
और कार लेकर कौशल के घर की तरफ पड़ने लगा। अभी वो रास्ते में ही था कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे वो कार में अकेला नहीं है, बल्कि कार के पीछे वाली सीट पर भी कोई बैठा हुआ है। मगर ये कैसे हो सकता है, वो तो अपने घर से अकेला ही निकला था। मगर उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर भी देखा, मगर वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक से पीछे से एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला हाथ रेहान के गले तक पहुंचा। उस हाथ की बड़ी बड़ी नाखों ने रेहान को कुछ याद दिला रहे थे। वो नाखों ने ठीक वैसी ही थी जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। तभी वो सभी नाखों ने एकदम से रेहान के गले में धंस गए और रेहान के गले से खून के फव्वारे बह निकले और फिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह गगन को खबर मिली कि रेहान एक्सीडेंट में मारा गया। अब तो गगन और कौशल को पूरा यकीन हो गया कि ताल में कुछ तो काला जरूर है, मगर क्या, ये तो बस एक ही इंसान बता सकता था, वही जिसने इससे पहले भी कई लोगों की मदद की थी, और वो थे बाबा हरिनाथ। जिसके बाद गगन और कौशल दोनों बाबा के पास पहुंचे, बाबा को पूरी बात बताई, जिसके बाद बाबा ने अपनी आंखें मूंदी और फिर कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। पूरा जाप करने के बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और फिर बोलना शुरू किया। आज से करीब 3 हफ्ते पहले तुम पांचों दोस्त कहीं घूमने गए थे। इस पर कौशल ने अपना सिर हां में हिलाया, जिसके बाद बाबा ने बोलना जारी रखा। वहां पर घूमते घूमते जंगल में तुम पांचों दोस्तों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहां पर एक कलश रखा हुआ था, तुम पांचों ने पहले तो उस पर पेशाब किया और फिर उसे पत्थर से मारकर फोड़ दिया। क्या ऐसा कुछ किया था तुम लोगों ने? गगन और कौशल ने अपना सिर नीचे किया और फिर सिर हां में हिलाया, जिसके बाद बाबा ने कहा, बस यही गलती तुम लोगों को भारी पड़ गई, क्योंकि उस कलश में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कैद थी, जिसको तुम लोगों ने ना सिर्फ गुस्सा किया बल्कि तुम लोगों ने उसे आजाद भी कर दिया। वो इतनी भयानक है कि तुम पांचों को मार कर ही दम लेगी। जिसके बाद कौशल और गगन ने कहा, तो फिर पापा हमें क्या करना चाहिए? जिस पर पापा ने अपनी पोटली में से उन लोगों को 2 तावीजें निकाल कर दी और फिर कहा, इसे अपने पास ही रखना, कभी भी अलग मत करना, हो सके तो हाथ पर या फिर गले पर पहन लो। अगर ये तुम्हारे पास रही तो फिर वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद उन लोगों ने वो तावीज ली और फिर वहां से अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से उन दोनों दोस्तों को फिर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक गलती के चलते उनके 3 दोस्त मारे गए। इस बात का पछतावा उन्हें आज तक है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नितिन फिलहाल जिस रास्ते पर था, उस रास्ते पर उसे उसके अलावा और कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और बस सुनसान रास्ता। नितिन अपनी बाइक लिए उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था और बस बढ़े ही जा रहा था, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई शख्स उस रास्ते पर था ही नहीं, ना ही कोई दुकान और ना ही कोई इंसान, बस नितिन अकेला और अपनी बाइक लिए वो आगे बढ़ रहा था। ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में बाइक चलाना कितना मुश्किल होता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। मगर फिर भी
अपने दिन किसी तरह आगे बढ़े ही जा रहा था। आज उसकी मजबूरी थी, वरना वो ऐसे कभी ठंड के मौसम में इतनी रात गए बाइक लेकर निकलता ही नहीं। बॉस ने उसे कुछ ज़रूरी काम से कहीं दूसरे शहर भेजा था और वहीं से लौटते लौटते देर हो गई। खैर, नितिन बाइक लिए आगे बढ़े जा रहा था। जैसा कि रास्ते के दोनों तरफ जंगल था और उनसे होकर सनसनाती हुई जो हवा आ रही थी वो सीधे नितिन के चेहरे से टकरा रहे थे। नितिन बीच बीच में सिहर उठता और कांपने लग जाता। उसने सोचा क्यों ना बाइक रोककर कुछ देर सांस ले लिया जाए, फिर थोड़ी देर चलेगा। मगर फिर उसने सोचा क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए और सीधे घर जाकर ही रुकूंगा। तो वो आगे बढ़ने लगा। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आसपास के जंगल से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। आवाज़ ऐसी जैसे आसपास में कहीं कोई फैक्ट्री हो और वो फैक्ट्री चल रही हो। मगर नितिन को याद आया कि इस जंगल में तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं। हालांकि एक है, मगर वो काफ़ी सालों से बंद पड़ी है और उस फैक्ट्री को आज तक कभी चालू नहीं किया गया है। खैर, नितिन को लगा शायद ही उसके मन का वहम है और वो बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद अब नितिन उस पुरानी सी फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। तभी नितिन ने देखा कि फैक्ट्री के बाहर उस टूटे फूटे लगे दरवाजे के ऊपर जो बल्ब है वो जल रहा है। मगर नितिन को अच्छे से याद है कि यह फैक्ट्री तो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। खैर, नितिन ने अपनी बाइक को वहीं रोका कुछ देर ठंड से बचने के लिए और सांस लेने के लिए। वो उस गेट की तरफ घूर कर देखे जा रहा था और उस टूटे फूटे दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे अंदर कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर हलचल सी महसूस हो रही थी। उसे उत्सुकता होने लगी और वो बाइक से उतरकर धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब जाने लगा। अभी वो उस दरवाजे के थोड़ा करीब गया ही था कि तभी उसे कुछ इंसानी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। अब तो वो पक्का हो गया कि कोई तो इस फैक्ट्री के अंदर है। तो वो धीरे धीरे उस गेट के बिल्कुल पास गया और अंदर झांकने लगा। तो जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस गेट के उस पार कुछ लोग थे जो उस छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मगर उन लोगों के चेहरे इतने ज़्यादा खौफनाक थे कि नितिन के होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी इंसान का चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है। उनके चेहरे पूरे जले हुए थे और उनकी आंखों से जैसे एक रोशनी सी निकल रही थी। नितिन ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर तभी उनमें से एक ने नितिन की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखा। नितिन ने देखा कि उस आदमी की शक्ल भी बाकियों की तरह ही है और उसके भी आंखों से रोशनी निकल रही है। नितिन समझ गया कि ये लोग इंसान तो नहीं हो सकते। वो वापस दौड़ते हुए भागा और अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट करके सीधे घर पहुंचा। उस पूरी रात वो सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग उस पुरानी फैक्ट्री में थे कौन, वो इंसान तो नहीं थे। बाद में नितिन को पता चला कि दरअसल बहुत साल पहले उस फैक्ट्री में एक गैस लीक होने के कारण आग लग गई थी। उसमें बहुत से लोग जलकर मरे थे और तभी से वो फैक्ट्री बंद है। कहते हैं कि आज भी उन जले हुए लोगों की आत्माएं हर रात उस फैक्ट्री में काम करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।